हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। जबलपुर के अग्रवाल बारात घर बलदेव बाग ओखरी रोड पर आम आदमी पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सम्मेलन में लगभग 5000 कार्यकर्ता पहुंचे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप पाठक, राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रानी अग्रवाल, महापौर सिंगरौली एवं अन्य पदाधिकारी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई। श्रीमती रानी अग्रवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी प्रदेश में भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी एवं महंगाई के लिए जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा हमारी पार्टी पूरी सीटों पर लड़ेगी और हमारी सरकार बनेगी। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। के बारे में बता दीजिए, आज आयोजन के बारे में बता दीजिए क्या। आज का हमारा ये तीसरा शपथ समारोह था और इसमें लगभग 5000 हमारे सर्किल कार्यकर्ताओं ने आज शपथ इंचार्ज ने सब ली है शपथ, और हमारे माननीय संदीप पाठक जी के तो आज शपथ ली है और उनके नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव का संगठन का पूरी लगभग तैयारी हो चुकी है और पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम अपने एक एक कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली मॉडल को लेकर और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे उनको लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर तक पहुँचेंगे, और इस बार जनता बदलाव के मूड में है। और एक मौका केजरीवाल जी को, आज जबलपुर में मध्य प्रदेश के समस्त सेक्टर प्रभारियों का और वार्ड प्रभारियों का जो ये शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें हमारे माननीय राज्यसभा सदस्य राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय रानी अग्रवाल जी प्रदेशाध्यक्ष जी अध्यक्षता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तमाम नेताओं के सानिध्य यह कार्यक्रम बहुत ही जोर शोर से पूरे उत्साह के साथ पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता को कि अब तीसरा विकल्प आ चुका है और आम आदमी पार्टी को जन जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और आज का कार्यक्रम इसी बात को इंगित करता है। राम किशोर शिवरे, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश।